इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट करना हमेशा के लिए, तो उसे आप यहां पर कैसे डिलीट कर सकते हैं, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहां देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और यहां पर देखिए अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको अपने मोबाइल पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग का आइकन मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, वरना देखिए सेटिंग एस प्राइवेसी पर भी आप क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट ही बाहर आपको डिलीट करने का ऑप्शन आता था अकाउंट एंड कंट्रोल का, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए पर्सनल डिटेल्स यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए आप अगर आपका यहां पर देखिए फेसबुक है और इसके साथ इंस्टाग्राम लिंक होगा तो वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा कि आपकी इंस्टाग्राम भी आईडी लिंक है, फिर भी अपना यहां पर आप फेसबुक अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे नीचे चले आना है और यहां पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको पर्सनल डिटेल्स का, अकाउंट सेटिंग में ही आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स। आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होगी, जैसे कि आपका कोई फोन नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा तो वो यहां पर होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके नीचे देखिए अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको डिलीट या डीएक्टिवेशन करना है तो सेकंड में ऑप्शन लिखा हुआ है डीएक्टिवेशन या डिलीटेशन, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहां पर आपका जो नेम होगा वो आपको शो कर दिया जाएगा, यहां पर आपके नेम पर क्लिक करेंगे। अभी ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट, मतलब टेम्परेली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे एक दो दिन या सात दिन के लिए, और फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप चाहे तो टेम्परेली डीएक्टिवेट यहीं से कर सकते हैं, क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डिलीट ही करना है तो यहां पर देखिए डिलीट का आइकन है, सिंपली डिलीट पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, हम यहां पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर कोई भी रीजन देना है कि किस कारण आप यहां पर डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कारण सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैं फेसबुक पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करता हूं, बहुत समय देता हूं। सो इस तरीके से है तो यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। अभी देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, आप क्लिक करेंगे। अभी ये आपसे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपने अकाउंट को हम यहाँ पर टेम्परेली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और आपके नीचे आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने कोई फोटो वीडियोज या कुछ भी आपने किया है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिलीट ही करना है, तो नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। फिर देखिए आपके सामने ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको अपना पासवर्ड डालने को बोलेगा। आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देना, क्योंकि ऐसे डिलीट नहीं होगा। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और फिर उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही अपना पासवर्ड डाल देंगे दिन इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपसे पूछ रहा है 30 दिन, मतलब आज जैसे आप डिलीट करेंगे तो आपको 30 दिनों तक ये अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है। ये देखिए सस्पेंड एक्सपायर्ड हो गया, यहाँ से आपका जो अकाउंट है यहाँ से हट जाएगा और 30 दिनों तक आपको अपना ये मोबाइल नंबर या जीमेल से बनाया हो तो वो डालकर, अपना पासवर्ड डालकर आपको ये आईडी लॉग इन नहीं करनी है। अगर लॉग इन कर लेंगे तो वो डिलीट नहीं होगी, अगर आप लॉग इन नहीं करते 30 दिनों के अंदर तो वो परमानेंट आपकी आईडी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर आपको वो आईडी कभी आपका नहीं होगा, वो हमेशा के लिए आपके यहाँ पर सर्वर से फेसबुक से ही डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप किसी भी आईडी को या फिर आपके बहुत ज्यादा अकाउंट है तो इस तरीके से आप किसी भी अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।